अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का वो वीडियो सामने आ गया है जिसमें ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली उनकी कार दिखाई दे रही है। यह भी दिख रहा है कि कैसे चालान कटने के दौरान सिसोदिया के ड्राइवर ने ट्रैफिक कांस्टेबल पर रौब गांठने की कोशिश की थी। DL10C0017 नंबर की यह कार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सरकारी कार है। रफ्तार की सीमा तोड़ने की वजह से इसे ट्रैफिक पुलिस ने सिविल लाइंस इलाके में रोका। गाड़ी रुकते ही ट्रैफिक कांस्टेबल ने ड्राइवर से स्पीडिंग की वजह पूछी। इस पर उसने क्या जवाब दिया वो सुनिए। इसके बाद ट्रैफिक कांस्टेबल ने कहा, भाई साहब वहाँ भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही पूरी, वो थोड़ी बोल रहे हम। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात सुनने के बाद सिसोदिया का ड्राइवर शांत हो गया। इस दौरान वहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी, ट्रैफिक जाम होने लगा। इसके बाद ट्रैफिक कांस्टेबल सचिन ने मशीन से चालान निकाला, इसे सिसोदिया के ड्राइवर के हाथ में थमाया। सिसोदिया के ड्राइवर ने 400 रुपए का चालान भरा। यह घटना 12 जून की है। खजूरी खास इलाके में ट्रैफिक पुलिस चेकिंग कर रही थी। इंटरसेप्टर में जिन लोगों की गाड़ियों की स्पीड तेज थी उनके चालान काटे जा रहे थे। इसी दौरान वहां से सिसोदिया की कार तेज गति से निकली। लोगों ने उनकी गाड़ी का चालान करने के लिए हंगामा शुरू कर दिया। एक तो सिसोदिया के रहते उनकी कार ने ट्रैफिक नियम तोड़ा, ऊपर से एक घंटे तक पुलिस को अपने पीछे पीछे नचाते रहे। शाम 5:02 पर पहली बार सिसोदिया की कार को रोकने का इशारा किया गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय स्पीड बढ़ा दी। 6:08 पर वजीराबाद पुल पार करने के बाद सिविल लाइन्स इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने सिसोदिया की कार को ओवरटेक किया, उनकी कार रोकी गई और 400 रुपए का चालान किया। अब सवाल उठता है कि सिसोदिया की कार अगर तेज चल रही थी तो उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी धीरे चलाने को क्यों नहीं कहा? ट्रैफिक पुलिस को देख जब ड्राइवर कार भगा रहा था तब सिसोदिया ने कार क्यों नहीं रुकवाई? वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और अब कार के चालान का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने सिसोदिया पर हमला बोल दिया है। कानून का पालन करना चाहिए, देश संविधान के अनुसार चलता है, लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर ये तालिबान नहीं है। तो मनीष सिसोदिया जी को ही चाहिए था कि ड्राइवर को कहते रुके साइड में जाने के बाद करें। ये तो बहुत शर्मनाक बात है कि दिल्ली की डिप्टी चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को इस तरह से चेस किया गया ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो खुद जो कानून का रक्षा करने वाले हैं वो खुद ही कानून तोड़ रहे हैं, और ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैजर्ड भी है दूसरे लोगों के लिए।